ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। शारदीय नवरात्रि का आज नवा दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर सभी राजनीतिक नेता जनता को अपनी सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, लेकिन उन्होंने कंफ्यूजन में एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। अब कोई भी ब्लंडर सोशल मीडिया यूजर्स की नजरों से बचता थोड़ी है। ऐसे में अखिलेश यादव को जनता के साथ भाजपा ने भी ट्रोल कर दिया। मान्यताओं के अनुसार आज महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जनता को महानवमी के बजाय रामनवमी की बधाई दे दी। अखिलेश ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आपको और आपके परिवार को रामनवमी की अनंत मंगल कामनाएं। अखिलेश यह भूल गए कि शारदीय नवरात्रि की नवमी महानवमी होती है। जब यूजर्स की नजर पड़ी तो उन्होंने अखिलेश यादव को करेक्ट किया। इसके बाद अपनी भूल समझकर अखिलेश ने भी यह पोस्ट डिलीट कर दिया। इसके बाद यादव ने नया पोस्ट डाला, आपको और आपके परिवार को महानवमी की अनंत मंगल कामनाएं। लेकिन वह जरा सा समय अखिलेश यादव की चुटकी लेने के लिए काफी था। महानवमी के दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। यूपी बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव को ये भी नहीं पता है कि रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर है। जनता को मत पहनाइए टोपी, वो आप पर ज्यादा अच्छी लगती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी अखिलेश पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि रामनवमी का पर्व चैत्र मास में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रों में महानवमी होती है, जो दुर्गा माँ की आराधना का दिन है। यही होता है जब कार सेवकों पर गोली चलाने वाले चुनाव आते ही हिंदू बनने का ढोंग करने लगते हैं। अखिलेश यादव के करेक्शन करने के बाद भी यूजर्स उनके पुराने पोस्ट का स्क्रीनशॉट उनके कमेंट में ही भेजते रहे। एक यूजर्स ने लिखा कि पहले का काहे मिटा दिए सुल्तान, तो वहीं एक यूजर्स ने लिखा कि वोट बैंक के खातिर मंदिरों के चक्कर लगाने की जगह हिंदू धर्म और रीति रिवाजों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल की होती तो शायद ऐसी गलती न करते अखिलेश यादव जी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।